उनमें जो क्रिया विशेषण शब्द है उन्हें चुनकर लिखना है। ये क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखते वक्त भी अध्यापक का या परीक्षक का ध्यान इस ओर रखने के लिए देने के लिए हमें इसके नीचे भी रेखा खींचने की जरूरत है। देखिए, अक्षय कुमार ने आंख उठाकर देखा, देखा वहां क्रिया शब्द है। एक क्रिया शब्द की विशेषता प्रकट करता है आंख उठाकर, तो आंख उठाकर एक क्रिया विशेषण है, उसके नीचे रेखा खींचकर लिखना है। दूसरे वाक्य में सामने से एक रेलगाड़ी पूरे वेग से चली आ रही थी, रेलगाड़ी चली आ रही थी क्रिया शब्द है, चली आ रही थी, चली आ रही थी क्रिया की विशेषता प्रकट करता है पूरे वेग से, तो पूरे वेग से विशेषण है, क्रिया विशेषण है, इसके नीचे रेखा खींचकर व्यक्त करना है। तो तीसरे वाक्य में सहायता के लिए उसने चारों ओर देखा, उसने देखा, देखा क्रिया है, चारों ओर देखा ये तो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है चारों ओर, तो चारों ओर क्रिया विशेषण है, उसके नीचे भी रेखा खींचे। और अंतिम वाक्य में वो बहुत परेशान हो गया, परेशान हो गया क्रिया शब्द है, बहुत परेशान हो गया, परेशान हो गया क्रिया को, क्रिया की विशेषता प्रकट करता है बहुत शब्द, इसलिए बहुत शब्द क्रिया विशेषण है, उसके नीचे भी रेखा खींचकर लिखें। इस प्रकार क्रिया विशेषण, नाम विशेषण आदि पूछते वक्त हमें वो शब्द चुनकर लिखे हुए शब्दों को व्यक्त करने के लिए तो दोबारा लिखना है, इसके साथ भी उसके नीचे रेखा खींच कर लिखें तो बहुत ध्यान, परीक्षक का ध्यान उस ओर होगा जरूर। अच्छा, अगला प्रश्न हम देखें, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके अनुच्छेद का पुनर्लेखन करें। हम ऐसा बताया है पुनर्लेखन करें, तो वाक्य का अनुच्छेद का पुनर्लेखन करना है, उसके साथ उस वाक्य में विराम चिन्ह भी जोड़ना है। देखिए, ये देखो रेडियो खुला छोड़कर गए हैं भूतों को सुनाने के लिए, इसको बंद कैसे करने का, इस वाक्य से आप बिल्कुल परिचित हैं। यह वाक्य सकुपाई नामक पाठ से लिया गया है। सकुपाई कमरे में प्रवेश करते वक्त वहां ऐसा दृश्य वे देखती है, तो इनमें कहां कहां विराम चिन्ह जोड़ना है देखें। ये देखो वहां अल्प विराम चिन्ह जोड़ना, कोमा जोड़ना है, तो कोमा रखें और उसके नीचे रेखा खींचे। रेडियो खुला छोड़कर गए हैं, तो वहां पूर्ण विराम, वहां वाक्य पूर्ण होता है, वहां पूर्ण विराम जोड़ना है, फुल स्टॉप वहां जोड़ना है और पूर्ण विराम डालकर उसके नीचे रेखा खींचना है। और अगले वाक्य में भूतों को सुनाने के लिए, वहां भी एक पूर्ण विराम चिन्ह लगा सकते हैं, उसके नीचे भी रेखा खींच सकते हैं। इसको बंद कैसे करने का, तो प्रश्नवाचक है, कैसे कैसे बंद करने का, वो तो प्रश्नवाचक है, वहां क्वेश्चन मार्क माने प्रश्न चिन्ह वहां रखना है, डालना है, वहां प्रश्न चिन्ह डाले और उसके नीचे भी रेखा खींचे। इस प्रकार व्याकरण कम से कम 10 अंग के लिए व्याकरण भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा के लिए, तो व्याकरण भाग पूर्ण रूप से उस पर ध्यान रखना और अभ्यास करना। इसके साथ हम हमारा ये तीसरी इकाई का क्लास खत्म होता है। आप सब लोग ये तैयारी से लाभ उठाएं, तैयारी ध्यान से देखें और लाभ उठाएं, प्रश्न करें और चिंतन करें और परीक्षा अच्छी तरह लिखने में समर्थ बने, यही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। अच्छा, धन्यवाद।